नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीटीएस न्यूज चैनल में। आज इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे 21 जून को लगने वाले ग्रहण के बारे में। ग्रहण के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसमें हम बताएंगे कि ग्रहण कब लगेगा, कब मध्य होगा और कब मोक्ष होगा। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण पूर्ण ग्रहण होगा, इसलिए दिन में रात जैसे लगेगी। इस सूर्य ग्रहण में चांद सूर्य को केंद्र से कवर करेगा, जिससे सूर्य के किनारे का गोलाकार कुछ भाग दिखाई देगा, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है और ये रिंग ऑफ फायर के ही रूप में लगेगा। रिंग ऑफ फायर का यह नज़ारा कुछ सेकंड से लेकर 12 मिनट तक देखा जा सकता है। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो इस ग्रहण का सूतक काल भी यही होगा। वहीं इस ग्रहण का प्रभाव भी लोगों पर पड़ेगा। इस ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाएगा, इसलिए ग्रहण के समय कहा जाता है कि खाना पीना और पूजा करने की मनाही होगी। सूतक काल 20 जून की रात को ही लग जाएगा, रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का मध्य 12:24 दोपहर पर होगा। 21 जून को सूर्य का 88% भाग 3:22 तक चंद्रमा की ओट में रहेगा, यानी कि जो ग्रहण का मेन बिंदु है वो 3:22 रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर 2019 और 1 सितंबर 2016 और 15 जनवरी को इसी तरह सूर्य ग्रहण दिख चुका है। यह ग्रहण सुबह 9 बजे से शुरू होगा और दोपहर 3 बजे तक रहेगा। पूर्ण ग्रहण 10:17 पर होगा। यह ग्रहण अफ्रीका, पाकिस्तान के दक्षिण भाग, उत्तरी भारत और चीन में देखा जा सकेगा। भारत में यह खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण पर ऐसे हो रही है उल्टी चाल। आज ज्योतिष जो बता रहे हैं कि ज्योतिष में विद्वान आचार्य कृष्णकांत मित्र का कहना है कि 21 जून को मिथुन राशि में लगने वाला यह सूर्य ग्रहण शुभ नहीं है, क्योंकि कई ग्रहों की चाल इस दौरान उल्टी रहेगी। सूर्य ग्रहण पर धार्मिक अनुष्ठान और पूजा जप से राहत मिल सकती है। संबंधित ग्रहों के मंत्र का जाप संकट से मुक्ति दिलाएगी। ग्रहण काल का समय है जो 21 जून को स्पर्श होगा 10:30 मध्य 12:17 और मोक्ष 2:04 दिन में है। सूर्य ग्रहण लगभग 3.5 घंटे का होगा। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।